हेलो लर्नर्स, आप सबका एनएलपी के फ्री वीडियो कोचिंग के सीरीज में स्वागत है। हमने अभी तक 10 लेसन्स के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 11th 11वां लेसन्स है, जहां पर आप ये सीखेंगे कि गोल अचीव करते हैं, गोल सेट तो करते हैं जो हमने 10th जो पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा, लेकिन समटाइम्स होता है कि हमें डिफ़िकल्टी होती है, हम अचीव नहीं कर पाते हैं। आप हीलर है, कोच है, थेरापिस्ट है, काउंसलर्स है, या आप प्रोफेशनल्स हैं और आप खुद अपने गोल सेट किए हैं, लेकिन कहीं पे आप डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं कि आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे, या आपके क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये पर्टिकुलर वीडियो काम में आएगा कि वो क्यों गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये वीडियो के माध्यम से हम 9 ऐसे क्वेश्चनर्स मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जो क्वेश्चंस आप अपने आप को पूछे इफ़ यू आर रियली फेसिंग डिफिकल्टी टू अचीव योर और सेट योर गोल, और आपके क्लाइंट को आप मदद कर सकते हैं एज अ थेरापिस्ट, एज अ काउंसलर्स, राइट फ्रेंड्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो पूरा वीडियो जरूर से देखिए। सारे वीडियो आप अपलोड मैं करने वाली हूँ एनएलपी के लगभग लगभग 100 और 150 जितना भी मेरे पास आने वाले समय में, बहुत सारे टेक्निक्स भी आएंगे। इट्स ऑल थियोरी, मे बी लॉट्स ऑफ टेक्निकल थिंग्स आर ऑल्सो देयर, यू नो, ट्रीटमेंट्स एंड बहुत सारी एक्सरसाइज भी आपको मैं सिखाऊंगी, ट्रीटमेंट्स भी सिखाऊंगी, टेक्निक्स भी सिखाऊंगी एनएलपी की, यही लर्निंग सीरीज के माध्यम से। सो सारे वीडियो आप देखेंगे, असाइनमेंट सारे करेंगे आप, तो आप एनएलपी सर्टिफिकेट क्लेम भी कर सकते हैं। दिस इज गुड न्यूज फॉर यू, दिस इज गिफ्ट फॉर यू। एंड नाउ द गिफ्ट, अनदर गिफ्ट इज कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके आपकी डिटेल वहाँ पे डालिए दीजिए, और आप एनएलपी की वर्कबुक भी फ्री में पा सकते हैं। वी विल मेल एनएलपी वर्कबुक टू यू, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज वन अनदर गिफ्ट फॉर यू, आई एम श्योर यू आर सो हैप्पी एंड ग्लैड अबाउट दैट। इफ़ यू आर रियली हैप्पी एंड ग्लैड अबाउट माई वीडियो कोचिंग, प्लीज share this to others also, because हम जो हमें जो चाहिए यूनिवर्स में से वो हमें देना पड़ता है, राइट। तो आपको जो चाहिए वो आप लोगों को बांटिए, आपको ज्ञान चाहिए तो आप लोगों को ज्ञान बांटिए, आपको पैसा चाहिए तो आप पैसा बांटिए, जो जस्ट शेयर टू अदर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनएलपी नहीं, आप देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पर मैं रख रही हूँ। जैसे अभी ऑन गोइंग है कैश कॉन्सियसनेस का प्लेलिस्ट, जहाँ पे 33 वीडियोज़ है, जहाँ से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, मनी मैजिक का पूरा कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। सो यू विल लर्न अ लॉट, आप बहुत कुछ ये चैनल्स के थ्रू सीख सकते हैं। एंड डोंट यू नो फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन्स फॉर जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, क्योंकि वहाँ पे हमारे आने वाले जितने भी वर्कशॉप है, 3 डेज इन अ वेलनेस वर्कशॉप, हर अलग अलग सिटी में होते हैं, उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 9 क्वेश्चन आर जो आपको मदद करेगा, आपके स्मार्ट गोल को ज़्यादा फ्यूल देने का काम करेगा, राइट। तो आप जैसे खुद सेट कर रहे हैं गोल और कहीं पे अटक रहे हैं, या जब आप ऑलरेडी डिज़ाइन कर रहे हैं आपके गोल, तब ये क्वेश्चंस अपने आप को पूछे, या तो आपके क्लाइंट्स को, इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स, देन यू कैन यू नो टीच to your clients, you can help to your clients through this questionnaires. Okay, so first question is, what specifically do you want? आपको जो भी goal आप set कर रहे हैं उसमें what exactly you want? Because ये बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपका client आपको बताए, या आप आपके खुद को, जब आपके खुद के पर आप काम करें तो बताएंगे कि I don't want, यानी कि वो ऐसा answer दे सकता है कि जो negative हो, कि मुझे 10,000 रुपये महीने के कमाने हैं या 10,000 पर डे के कमाने हैं। वैसा स्पेसिफिक आंसर देने के बजाय वो बोल सकता है कि आई डोंट वांट यू नो स्ट्रगल, तो जो नहीं चाहिए वो बोल सकता है, हो सकता है, लेकिन आपको उनको हेल्प करनी है सिर्फ इतना कह के। खुद आप अपने आप के ऊपर काम करें तो भी अपने आप को बोलिए थैंक यू, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट, बट व्हाट एग्जैक्टली नाउ आई वांट, वो मुझे क्या चाहिए उसके पर आपको फोकस करना है। एंड राइट डाउन कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, व्हाट स्पेसिफिकली डू यू वांट, ओके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे 1 रुपी के कोर्स से, बाकी जैसे ये ऑनलाइन कोर्स है, मेरी एक डिजिटल स्कूल है, तो 1 रुपी में ही मैं वर्थ रुपीज़ 25,000 का कोर्स, यू नो,
1 रुपये पर डे में रख रही हूँ, तो आई एम वेरी क्लियर कि मुझे 1 लाख लोगों तक, 1 लाख लोगों तक ये 3 साल के अंदर ये सारे कोर्सेज पहुँचाने हैं. एंड दैट्स वाई आई हैव जस्ट कोटेड, यू नो, प्राइस मैंने लगाया 1 रुपये अ डे, 1 रुपये अ डे, राइट? सो वॉट स्पेसिफिकली डू यू वॉन्ट एंड वाई डू यू वॉन्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आपको नोट डाउन करते जाना है, ये सारी चीज़ें, वाइल यू आर सेटिंग योर गोल, बिकॉज आपने लेसन नंबर 10 में गोल कैसे सेट करना है वो सीखा. बट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग स्टिल, यू वॉन्ट टू डिज़ाइन परफेक्ट गोल, तब आप ये क्वेश्चन आर्ट का यूज करें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर आर यू नाउ. सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ अ स्पेसिफाई, यू नो, स्पेसिफाई योर प्रेजेंट सिचुएशन, यानी आपको जहाँ जाना है और आप अभी कहाँ हैं वो एसोशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पे भी आपको एंड पॉइंट पे जाना है तो आप अभी कहाँ पे है तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मैच नहीं हो रहा है, तो हम एटलीस्ट पहले अपने आप को वहाँ पे मैच कर सकते हैं. जैसे हमने सिखाया था पिछले वीडियो में कि स्टेट और यू नो वर्सेस आउटकम, तो आपका स्टेट कहाँ पर है, तो स्टेट तो इमीडिएटली सेट हो सकता है, बट आपको कौन से आउटकम चाहिए और आप अभी कहाँ पर है, तो वेयर आर यू नाउ, यू हैव टू आइडेंटिफाई. सिंपल एग्जांपल है कि आपको इंडिया में है और जापान में जाना है, तो जापान जाना है, इट्स योर फाइनल स्पेसिफिक क्वेश्चन 1 का आंसर है, बट आप अभी है कहाँ पर, इंडिया में है, सो वेयर आर यू नाउ. आपको इनकम का गोल है, एग्जाम्पल पर मंथ आपको 50 लाख कमाने, 5 लाख कमाने या वॉट एवर अमाउंट, बट अभी आपका महीने में कितना इनकम है, तो वेयर आर यू नाउ. वेट लॉस करना है तो डिपेंड्स, तो आप अभी वेट लॉस में, अभी आपका 15 किलो कम करना है, गुड स्पेसिफिक गोल, बट अभी आपका कितना वेट है, 85 है, -15 करना है, सो बेस्ड ऑन दैट वेयर आर यू नाउ. कंपनी एक है, 2 खड़ी करनी है, आपको फ्रेंचाइजी बढ़ानी है, वॉट एवर इट इज़, आपके जो भी गोल है, रिलेशनशिप में गोल है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने हैं वो गोल है, तो अभी आप लो एस्टीम फील कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इन विच एरिया, सेल्फ एस्टीम एरिया में या करियर एरिया में, हेल्थ के, वेल्थ के एरिया में कहाँ पर है, वो बहुत ज़रूरी है, वो क्वेश्चन नंबर 2 के द्वारा अपने आप को आपको जांचना है. ओके, आर यू क्लियर? इफ़ यू क्लियर जस्ट टाइप यस, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, what will you see, hear, feel, etc. when you have it? Very important. मैं अपने affirmation का जो course होता है उसमें सिखाती हूँ visualizations. मैं बहुत सारे video और भी यहाँ upload करने वाली हूँ. If you know visualizations, you can understand even this questions. कि मान के चलो, आपको वो मिल गया. What will you see, hear, feel? It's कि मिल गया आपको या मिल जाएगा, you know, in future. तब आप कैसा feel करेंगे, कैसा आप सुनेंगे जब वो मिल गया, और कैसा आप उसको देखेंगे अपने आप को और वो गोल के साथ अपने आप को, राइट? सो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द विजुलाइजेशंस. यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ, यू कैन यू इमेजिन कि आप जापान में पहुंच गए तो कैसा आप अपने आप को देखेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, किसके साथ होंगे, लोग आपको कैसी मुस्तब तारीफ करेंगे. अच्छा, आपको कोई अवॉर्ड चाहिए या कोई रिवॉर्ड चाहिए और आप स्टेज पर है, अवॉर्ड दे रहे हैं, लोग क्लैप कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, आई प्राउड ऑफ यू, क्या बोल रहे हैं लोग, आपको क्या सुनाई दे रहा है. सो वॉट एवर द गोल यू हैव डिजाइंड, यू नो इट इज़ इन योर माइंड, तो वो जब भी आप अचीव करेंगे 6 महीने के बाद, 12 महीने, 2 महीना, जो भी आप टाइम फ्रेम में बनाया है, तो उस वक्त आप क्या सुनेंगे, क्या फील करेंगे. उस वक्त लोग तारीफ कर रहे हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी आंखों में खुशी के आंसू है, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यू फील यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफाई करनी है, डिस्क्राइब करनी है कि वॉट आई विल फील, ओके, hear and see myself at that time. This is very important. This is very, every questions you answer, you know, very honestly and very specifically, then you will, you know, ye help karega aapke goal, jo smart goal aapne set kiye hai usko upar le jane mein, lift karne mein. Okay, so question number 4, now you have to ask yourself, or if you are a counselor, therapist, you can ask your, you know, client also, how will you know when you have it?
स्पेसिफाई एविडेंस प्रोसीजर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम गोल के लिए काम तो करते हैं, बट इफ़ यू डोंट नो कि आप आउटकम आपको मिला कि नहीं, तो आप किस तरीके कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सिस्टम जिसके पास नहीं है, एविडेंस प्रोसीजर के सिस्टम जिसके पास नहीं है, वो ब्लाइंड जा रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम बस चले जा रहे गाड़ी लेके से एग्जाम्पल रोड पर, और कोई माइलस्टोन नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, और शायद हमें पता है कि हमें जाना है कोई एक एक्स डेस्टिनेशन पर, लेकिन माइलस्टोन नहीं है तो हमें नहीं पता चला है कि हम कितने दूर है, कहाँ तक आए हैं। सो एविडेंस प्रोसीजर ज़रूरी है। एग्जाम्पल वेट लॉस करना है तो सिंपल, हम 6 महीने में 15 किलो कम करना है तो आप डिवाइड कीजिए कि 6 महीना है 15 किलो है, तो पर मंथ आपको कितना करना है, जैसे कि लगभग 3 किलो 2.5 किलो, 2 से 2.5 किलो कम करना है पर मंथ। तो पर मंथ 2.5 किलो हो रहा है कि नहीं, तो एवरी मंथ आप अपने आप को चेक करें। तो इस तरीके से आपकी कोई एविडेंस प्रोसीजर होनी जरूरी है। किसी को कॉन्फिडेंस का इश्यूज है तो वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है कि नहीं, जैसे कि यू आर नॉट एबल टू फेस योर बॉस, तो आप अपना गोल सेट करें कि मेरा ऐसा नहीं है कि फेसिंग योर बॉस इज़ द गोल इज़ योर कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए क्या एविडेंस है कि जब आप बॉस के पास जाते हैं आप कॉन्फिडेंट है कि अंदर से बहुत घबराहट हो रही है लेकिन फिर भी आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बात करते हैं, तो वो आपका गोल अचीव हुआ। सो फ्यू गोल्स यू कैन मेजर, फ्यू गोल्स यू मेजर थ्रू योर फीलिंग्स, बट एनी वे आपकी एक एविडेंस प्रोसीजर आप जब सेट करते हैं गोल और गोल अचीव करते हैं तो ये होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल हम एक ट्रैवलिंग करते हैं जैसे मैंने अभी बताया, तो हम हमारे एक माइलस्टोन्स आते हैं तब हमें पता चलता है कि इतना किलोमीटर दूर है हम, इतना किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके तो इतना टाइम लगेगा, एवरीथिंग लाइक, तो दिस इज वे आपके गोल में भी होना चाहिए। आप पीछे वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप 100 करोड़ कमाना है का गोल है, लेकिन आप 90 साल के हो जाए तब तो उसका कोई कीमत नहीं है, 10 साल के अंदर है तो उसका एक मोमेंटम होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। सो दिस इज वे यू हैव टू यू नो स्पेसिफाई योर एविडेंस प्रोसीजर। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक आप काम कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक के क्वेश्चन है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी।